स्वागत है दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए बहुलक केमिस्ट्री का टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुलक का क्या होता है औसत अनुपात, कौन सा से बहुलक नहीं है, तो फ्लेक्सी ग्लास है वो इससे बहुलक नहीं है। निम्न किस एक का उपयोग बहुलीकरण में एकलक के रूप में किया जा सकता है, तो C3H6 है ना प्रोपेन। ऐसा बहुलीकरण जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के एकलक भाग लेते हैं कहलाता है इससे बहुलीकरण। प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण क्या होता है, DNA। कौन सा रबर बहुलक नहीं है, तो PMMA। बेकलाइट फिनोल एवं फॉर्मेडाइट से बनते हैं, दोनों यौगिकों के मध्य प्रारंभिक अभिक्रिया किसका उदाहरण है, यह होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोसेनाई प्रतिस्थापन। प्राकृतिक रेशम है एक पॉलीपेप्टाइड। ये सूची दे रही कि फर्स्ट वाली बहुलक है, सेकंड वाले उनके एकलक है, इनका सही मिलान करना है। तो जो PAN होता है वो होता है एक्लेयर नाइट्राइल, प्राकृतिक होता है वाइसोप्रीन का बहुलक, नाइलॉन 6 होता है वो कैप्रोलैक्टम, PVC है क्लोरोएथीन। तो इनका आंसर हो जाएगा DCBA। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ADP कम्बल के संघनन से प्राप्त रेशा क्या होता है, नाइलॉन 6। आइसोबिटिलीन आइसोप्रीन का सह बहुलक कहलाता है बीटिल रबड़। कैल्शियम कार्बाइड से पॉलीएथिलीन का निर्माण निम्न प्रकार संपन्न होता है, तो ये कह रहा है कि 64.1 किलोग्राम CH2 से प्राप्त पॉलीएथिलीन की मात्रा कितनी होगी, 28 किलोग्राम। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध बहुलक होता है प्रोटीन। पॉलीस्टाइरीन का एकलक है वाइनिल बेंजीन। प्राकृतिक रबड़ के सदृश्य संश्लेषित बहुलक कौन सा है, नियोप्रीन। टेफ्लॉन के सूची के नाम क्या होता है, PTFE। कौन सा योगात्मक से समबहुलक नहीं है, PVC। निम्न किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग होता है, बेकेलाइट। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है रबड़। निम्न कौन सा बहुलक रेशे का उदाहरण है, तो रेशम, डेक्रोन, नाइलॉन 6। ये सारे हो जाएंगे। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का, नॉन स्टिक कुक वेयर बने होते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ओरलोन निम्न का बहुलक है एक्लोरो नाइट्राइल का। निम्न के बहुलीकरण से PVC बनता है, तो 1-क्लोरोएथीन। नाइलॉन 6 निम्न प्रकार का बहुलक है संघनन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। संघनन बहुलक उदाहरण है टेरिलीन। एक्रिलो नाइट्राइल बनता है ओरलोन रेशा से। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन। इनमें से कौन सा बहुलक नहीं है, DDT। नाइलॉन 6 का एकलक यह होता है ADP अमल प्लस हेक्सामेथिलीन ग्लाइकोल। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है, इसका सही सूत्र क्या होता है, ये वाला सूत्र होता है कैप्रोलैक्टम का, देख लीजिए। फिर ये दे रखा है अगला क्वेश्चन, H2SO4 से X बनता है, फिर ये नाइलॉन बना रहा है, X क्या होगा, ये बनेगा क्रेपोलैक्ट। तो आंसर आ जाएगा कैप्रोलैक्ट। ये क्वेश्चन है योगात्मक बहुलक अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है, PVC। वो नाइलॉन, टेरिलीन और पॉलीमर क्या होते हैं, संघनन बहुलक। ये थी दोस्तों क्वेश्चन, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।